हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज अपने एक नई टेस्ट सीरीज़ करने जा रहे हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये है डेयरी केमिस्ट्री से संबंधित। तो बहुत से बच्चे हैं जो ईमेल कर रहे थे कि डेयरी केमिस्ट्री है उस पर क्लास लगाइए। तो डेयरी केमिस्ट्री है उस पर अपने आज क्विज करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन पर अपने आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है वो है लगभग 100 के करीब। तो अपने इन पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला अपने पास क्वेश्चन आता है वो है, छेना बनाने के लिए दूध को कितने तापक्रम पर गर्म करते हैं? तो छेना अगर अपने को बनाना है तो दूध को कितने तापक्रम पर गर्म करेंगे? तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन फर्स्ट है 61 डिग्री, बी है 81 से 82, और सी है 91 डिग्री, और डी है 100 डिग्री सेल्सियस। तो किस तापक्रम पर जो छेना है वो प्राप्त कर लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जो है ऑप्शन बी, यानी कि 81 से 82 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर उस पे अपने दूध को गर्म करेंगे तो उससे अपने को छेना है जो मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय भैंस में अंतःशिरा इंजेक्शन किस वेन में लगाते हैं? तो अंतःशिरा इंजेक्शन है वो किस वेन के अंदर लगाते हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए किस वेन है उसके अंदर लगाते हैं। कोक्सीजियल, मैक्सिलियर, जुगलर, फेमोरल। तो इसका राइट आंसर है जो है जुगलर, यानी कि अपने जुगलर के अंदर अंतःशिरा इंजेक्शन है वो लगाते हैं गाय और भैंस की अगर अपने बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज है अपने ये स्पीड में करने वाले हैं क्योंकि अपने को ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो कवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की अम्लता ज्ञात करने के लिए कौन सा सूचक है जो काम में लिया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा सूचक है वो काम में लिया जाता है? तो अपने लेंगे फिनोप्थिलीन सूचक है वो काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दूध की अम्लता ज्ञात करते समय उसका अंतिम बिंदु किस रंग का आता है? तो अंतिम बिंदु है वो किस रंग का आता है? जल्दी से जल्दी बताइए, गहरा लाल, हल्का पीला, या हल्का गुलाबी, और डी नीला। तो किस रंग का आता है? तो ये आता है हल्का गुलाबी, ऑप्शन सी। जिन बच्चों ने सी कमेंट किया उनका एकदम राइट आंसर। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी प्रकार की कोई भी आपको समस्या लग रही है क्लास से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दूध की वसा ज्ञात करने में गंधक के अमल का अपेक्षित घनत्व होता है। तो गंधक का जो अमल होता है उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है? उसका होता है 1.82। ये इसका अपेक्षित घनत्व होता है H2SO4 का। और इसके अंदर एक अपने एक और जो अम्ल है वो काम के अंदर अपने काम में लेते हैं, वो कौन सा लेते हैं उसका आप जो नाम है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। कि दूध की अपने वसा ज्ञात करते हैं तो इसके अंदर अपने दो प्रकार के अम्ल है वो अपने काम में लेते हैं, तो दूसरा कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दूध वसा ज्ञात करने में कौन सा अल्कोहल जो काम में लेते हैं? तो कौन सा अल्कोहल है जो काम में लेते हैं? 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर इसी के अंदर है जो मैंने आपसे पूछा है अभी। तो कौन सा अल्कोहल है वो अपने काम में लेते हैं? मिथाइल अल्कोहल, एमाइल अल्कोहल, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो है एमाइल अल्कोहल। ये पिछली बार सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 के अंदर, उसके अंदर आया था ये क्वेश्चन, एमाइल अल्कोहल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो इसका होता है 0.81। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी के बच्चे को बछिया करने की सही आयु है, बकरी के बच्चे को बछिया करने की सही आयु है कितनी आयु है? 1 माह है, 5 माह है, 9 माह है, 1 वर्ष, कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर जो है 1 माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ईयर नोचिंग द्वारा किस पशु को चिन्हित किया जाता है? ईयर नोचिंग के द्वारा किस पशु को चिन्हित किया जाता है? तो किस पशु को किया जाता है? तो इसका आपको मैं डायरेक्ट आंसर दे दूं, इस सुअर में ईयर नोचिंग की जाती है, सुअर होता है जो उसके अंदर ईयर नोचिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
मुर्गी में चिन्हित की प्रचलित विधि कौन सी है? तो मुर्गी की मुर्गी होती है उनके अंदर प्रचलित विधि कौन सी है चिन्हित की? रिंगिंग है, टैटूइंग है, ईयर नोचिंग है या ब्रांडिंग है? तो कौन सी है? तो मुर्गी होती है उसके अंदर ये रिंगिंग जो है ये चिन्हित की प्राचीन विधि है या प्रचलित विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉकिंग सामान्यतः किस पशु में की जाती है? तो डॉकिंग है जो किस पशु में की जाती है? बकरी में, ऊँट में, भेड़ में, भैंस में, तो किस पशु के अंदर की जाती है डॉकिंग? तो इसका राइट आंसर है जो है भेड़। तो भेड़ के अंदर डॉकिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क लेट डाउन पवसाना के लिए कौन सा हार्मोन है जो उत्तरदायी है? तो पवसाने के लिए कौन सा हार्मोन है जो उत्तरदायी है? तो उसके लिए ऑक्सीटोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है? कहाँ से स्त्रावित होता है ऑक्सीटोसिन? ऑप्शन सुने, ओवेरी, पिट्यूटरी ग्रंथि, अयन या कॉर्पस ल्यूटियस ल्यूटियम। तो ऑक्सीटोसिन है ये कहाँ से स्त्रावित होता है? तो ये होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन है? तो मादा हार्मोन निम्न में से कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, दोनों है या एंड्रोजन है? तो कौन सा हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर है जो है 3, यानी कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये दोनों के दोनों मादा हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा हार्मोन वर्षण से स्त्रावित होता है? तो निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो वर्षण से स्त्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर है जो है एंड्रोजन। एंड्रोजन होता है वो वर्षण से स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बिना जुगाली चरने वाला पशु है? तो बिना जुगाली चरने वाले कौन सा पशु है निम्न में से? तो इसका राइट आंसर जो है 4, यानी कि सभी के सभी है जो बिना जुगाली चरने वाले पशु, घोड़ा भी, सुअर भी, खच्चर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय को 1 किग्रा दाना कितने लीटर दूध उत्पादन पर देते हैं? तो 1 किलो अगर अपने को दाना देते तो कितने दूध लीटर उत्पादन पर अपने देंगे उसको? 2.5 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर या 1 लीटर? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो अपने इसको देते हैं 3 लीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मुर्गियों के लिए प्रतिदिन प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो मुर्गियों के लिए प्रतिदिन कितना प्रकाश है जो आवश्यक है? ऑप्शन ए 10 से 12 घंटे, ऑप्शन बी 12 से 14 घंटे, ऑप्शन सी 14 से 16 घंटे, ऑप्शन डी 16 से 18 घंटे। तो कितने घंटे जो प्रकाश है वो आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है जो है ऑप्शन सी, यानी कि 14 से 16 घंटे है जो मुर्गियों को प्रकाश है वो आवश्यक है, ऑप्शन सी। जिन बच्चों ने सी कमेंट किया उनका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में वसा किस रूप में रहती है? तो दूध के अंदर जो वसा है वो किस रूप के अंदर रहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमल्शन, कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर डी, यानी कि सभी के सभी। तो जल्दी से जल्दी बताइए कि दूध के अंदर वसा है जो किस रूप के अंदर रहती है? तो इसका राइट आंसर जो है ए, इमल्शन के रूप के अंदर दूध के अंदर जो वसा है वो रहती है, इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में प्रोटीन सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है? तो दूध के अंदर जो प्रोटीन है वो सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, केसिन या कैरोटीन? तो इसका राइट आंसर जो है केसिन। केसिन प्रोटीन होती है, 80% पाई जाती है दूध के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः सांड किस आयु में वीर्य देने की देने योग्य हो जाता है? तो सामान्यतः सांड है जो किस आयु के अंदर वीर्य देने के योग्य हो जाता है, यानी कि वो मैच्योर हो जाता है, तो कब हो जाता है? 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, 4.5 वर्ष या 5.5 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है जो है 2.5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए एकदम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गाय की किस नस्ल में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिर के अंदर, साहिवाल के अंदर, जर्सी के अंदर, राठी के अंदर? तो कौन सी गाय की नस्ल है जिसके अंदर लैक्टोज होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है?
जल्दी से जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप ही बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है साहीवाल, यानी कि बी, लैक्टोज होता है ना वो साहीवाल के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये इसकी खासियत है। लैक्टोज सबसे मीठा दूध होता है साहीवाल का, और किसके कारण मीठा होता है? लैक्टोज के कारण मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस में 100 किलोग्राम बार पर कितना शुष्क पदार्थ दिया जाता है? तो कितना दिया जाता है? 1.5 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो या 3.5 किलो? तो इसका राइट आंसर है जो है, सॉरी, इसका राइट आंसर जो है 3 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधारण AI कब किया गया? तो कब किया गया था AI? 1939 के अंदर किया गया था। कहाँ किया गया था, कहाँ? तो ये आपका होमवर्क है, ये आप बताएंगे कहाँ किया गया था AI सबसे प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध से कितने प्रतिशत छेना है जो प्राप्त हो सकता है? 20%, 14%, 25% या 30%? तो कितना छेना है जो गाय के दूध से अपने प्राप्त कर सकते हैं? तो गाय के दूध से अपने भाई 14% ही छेना है जो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के 1 लीटर दूध में कितना खोया प्राप्त हो सकता है? तो गाय के 1 लीटर दूध है उससे कितना खोया प्राप्त हो सकता है? 300 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम या 350 ग्राम? तो कितना खोया है जो अपने गाय के 1 लीटर दूध से प्राप्त कर सकते हैं? कितना खोया अपने प्राप्त कर सकते हैं? तो वो अपने कर सकते हैं 250 ग्राम खोया है वो अपने प्राप्त कर सकते हैं 1 लीटर गाय के दूध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, रेक्टल पोल्पेशन विधि से जांच की जाती है। तो रेक्टल पोल्पेशन जो विधि है उससे किस चीज़ की जांच की जाती है? गर्भाधारण की, वीर्य की, गर्भाशय बीमारियों की या डी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है जो है गर्भाधारण की, अपने ना उससे जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फल्ड का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ? ऑपरेशन फल्ड का द्वितीय चरण है जो कब प्रारंभ हुआ था? तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही संदेह भरा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर NCERT है वो तो बोलती है कि 1978 के अंदर हुआ था, और जो इसकी जो ओरिजिनल बुक है जिसने ऑपरेशन फल्ड खुद शुरू किया था, नेशनल डेयरी फेडरेशन, तो उन्होंने बताया कि जो सेकंड चरण है वो हुआ था 1985 के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है ये, यानी कि अगर अपने देखें तो सही तो ये है 1985, क्योंकि जिन्होंने ये काम शुरू किया है वो अपने जो डाटा है उनको वो सही लिखेंगे, उनसे गलती नहीं हो सकती। पर NCERT है उसके अंदर, NCERT के अंदर है ना वो ये लिखा हुआ है 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने डिस्कस करते हैं और इसके बारे में अपने सोचते हैं, विचार करते हैं, आप भी अपने सुझाव जरूर दें इस 27 नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस के दूध से छेने में कितना पानी होता है? तो भैंस का जो दूध का छेना होता है उसके अंदर कितना पानी होता है? तो उसके अंदर होता है 51.60%। तो ऐसे क्वेश्चन है ये मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ, और जो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर जो है 51.60%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 अपना, क्वेश्चन नंबर 29, उत्तम किस्म के छेनने के लिए किसका दूध प्रयोग लाया जाता है? तो किसका दूध प्रयोग में लेते हैं अपने, भैंस के, बकरी के, गाय की या भेड़ के? तो किसके दूध का जो छेना है वो सबसे अच्छा बनता है? तो जो गाय का दूध होता है ना उसका छेना सबसे अच्छा बनता है, ऑप्शन सी एकदम राइट करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, घी किसके बर्तनों में रखने से कम खराब होता है? तो घी है वो किसके बर्तनों में रखने से सबसे कम खराब होता है? तांबे के, लोहे के, पीतल के या एल्यूमिनियम के? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में अंदर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है जो कि है घी है ना, जो
एल्यूमिनियम होता है ना उनके बर्तनों के अंदर ख़राब नहीं होता। ऑप्शन डी एकदम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.2 कैलोरी, 9.3 कैलोरी, 4.9 कैलोरी और 8.3 कैलोरी। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, तो ये आप ज़रूर ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, ज़रूर ज़रूर बताएं। और कल की क्लास के अंदर इसका राइट आंसर बताया जाएगा और किन किन बच्चों ने राइट आंसर दिए उनके नाम भी इस क्लास के नेक्स्ट क्लास होगी जो कल की अपनी उसके अंदर बताया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास है उसका समय 7:00 शाम को, हर बार की तरह वही रहेगा सेम टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।